अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन एंड कॉर्न सूप। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे इस देगची में मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक 3 कप। मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर चिकन को भून के बॉईल कर लिया था ज़्यादा पानी में। और जो 3.5 कप बच गया है वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन स्टॉक के बाद अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूँगी। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक इतना ना बचे तो आप पानी डाल के भी इसको बना सकते हैं या सिर्फ पानी डाल के ही बना सकते हैं। नमक डालेंगे हसबे जायका। नमक आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, कम लगे तो फिर ज़्यादा डाल दें। नमक के बाद अब इसमें आधी प्याली जाएगी मकई के दानों की। इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था, एक मकई को लेकर उससे हाफ़ प्याली बन जाती है। और एक प्याली डालेंगे बॉयल्ड चिकन। 5 से 6 मैंने बोनलेस बूटियां लेकर उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैंने इनके रेशे कर लिए थे, अब इसमें वो डाल देंगे। और इस पूरी सूप को आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अब इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी या 5 मिनट तक, ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकाना है। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी। मैंने सिरका इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं, और अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून डाल दें। 1 या 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब एंड में इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दूँगी, कॉर्नफ्लोर पानी का। मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर उसको पानी में अच्छे से मिला लिया था। अब मैं इसमें वो डाल के बस इस सूप को गाढ़ा कर लूँगी। बाकी तो ये वैसे भी तैयार हो चुका है, बस अब ये इधर गाढ़ा हो चुका है तो मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।